हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरकृष्णा। आज आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूं पाइप को कैसे 90 डिग्री में कटिंग करना है। जो नया मेंबर है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे को इनक्रेज कीजिए और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को लेके आऊँगा। दोस्तों पहले एक पेपर लिया, पेपर से कैसे मार्किंग करना है, कौन सा पाइप पे काटना है, उसको डायमीटर से एक पार पॉइंट मार्कर से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद एक कांची से आप सर्कल कर लीजिए। सर्कल करने के बाद आपको उसका सेंटर लाइन निकलना है। सेंटर लाइन आपको एक स्केल माध्यम से एक सेंटर लाइन करके उसको चारों भाग में डिवाइड करके एक पाइप पे दो, जो पाइप पे मार्किंग करने वाले हो दोस्तों उसमें मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद ए है आपको प्रोटेक्टर, मतलब एंगल प्रोटेक्टर, जिसमें हम लोग एंगल को जो रेड कलर दिखाया है जिसको बोलते हैं एंगल प्रोटेक्टर, उसको चारों पाइप को चारों कोना पे आपको मार्किंग कर लिया। उसके बाद जो आपको मार्किंग किया था, जो सेंटर लाइन को मार्किंग किया था, उसको क्या करने का, आपको पूरा चारों तरफ से आपको मार्किंग कर लेने का परमानेंट मार्कर से, मतलब आपको पेंसिल जो स्केच पेंसिल में होगा तो आपको कलर उड़ जाएगा, आपको मार्किंग पता नहीं चलेगा। तो मार्किंग से मार्किंग कर लेने का जो अपोजिट साइड में है उसको भी प्रॉपर तरीके से आपको मार्किंग कर लेने का। मार्किंग करने के बाद आपको दिखाई देगा दोस्तों एक ये अच्छा से आर्क लाइन करने का। आर्क लाइन मतलब अपोजिट में ये जो लाइन है दो साइड में जो लाइन किया है उसको जोड़ना है। अच्छे से जोड़ के सेम तरीके से दो पाइप को ऐसे तरीके से जोड़ के मार्किंग करना पड़ेगा। मार्किंग करने के बाद एक प्रोफाइल तैयार होगा, मतलब एक जो 45 डिग्री जो एंगल पे हम लोग कटिंग कर रहे हैं हम लोग उसको एंगल तैयार होगा। उसके बाद एक ग्राइंडर से आपको प्रॉपर तरीके से काटने का, बहुत सेफ्टी से, क्यों ना ग्राइंडर बहुत ही खुला मिला रहेगा, बहुत ही सेफ्टी से काटने पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रॉपर एंगल मैच हो गया, क्यों ना ऐसे मैच आपको पहले बार दिखाई दिया। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो दोस्तों, एंड ऐसे ऐसे वीडियो। थैंक्स।